रेखा आज भी उतनी ही जवान और खूबसूरत लगती हैं, जितनी अपनी जवानी के दिनों में थी। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री कही जाने वाली रेखा ढलती उम्र के साथ और ज्यादा निखरती जा रही है। रेखा का जिंदगी जीने का वही बेफिक्र अंदाज और जिंदा दिली अभी भी बेकरार है। रेखा एकदम सीधी होती है, लेकिन अभिनेत्री रेखा की निजी जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी रही। काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। हालांकि रेखा ने ज्यादातर संबंधों को स्वीकारा है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं के गॉसिप कॉलम में वे हमेशा सुर्खियां बटोरती रही। रेखा को शायद सच्चा प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक विवाह भी उन्होंने किया, लेकिन उसका अंत बड़ा ही त्रासदीपूर्ण रहा। रेखा के माता पिता उनके जन्म के वक्त मैरिड नहीं थे, इसलिए रेखा को उन्होंने अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। रेखा ने जब 1940 में बॉलीवुड में कदम रखा तब उनके कई निजी राज खुले। बाद में जब करियर शुरू हुआ तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। घर की खराब हालत की वजह से इच्छा ना होते हुए भी उन्हें पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में आना पड़ा। और इस बीच रेखा की जिंदगी में कई परेशान जिनके वे नजदीक हैं, लेकिन एक ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा के ग्रहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति का सुख कभी नहीं है। आइए चर्चा करते हैं उन पुरुषों की जिनके साथ रेखा का नाम जुड़ा। रेखा ने हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सावन भादो से शुरुआत की, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। नवीन निश्चल की तरफ से रेखा आकर्षित थी, लेकिन नवीन को उनमें रुचि नहीं थी। उस समय रेखा अपने लुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। बताया जाता है कि नवीन के प्रति रेखा की दीवानगी एक तरफा थी और फिल्म की शूटिंग करते करते दीवानगी भी खत्म हो गई थी। विनोद मेहरा और रेखा के रोमांस के खूब चर्चे हुए। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। हालांकि एक टीवी शो में रेखा ने इससे इनकार करते हुए विनोद को अपना एक अच्छा दोस्त बताया था। रेखा और विनोद में अलगाव की वजह विनोद की माँ को बताया जाता है। वे रेखा को पसंद नहीं करती थी। किरण कुमार के साथ रेखा का नाम कुछ समय के लिए जुड़ा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा से संबंध टूटने के बाद रेखा बहुत निराश थी और किरण ने उन्हें ऐसे समय में रोने के लिए कंधा दिया। संजय दत्त से नजदीकियों की चर्चा भी हुई और दोनों के शादी करने की खबरें भी आई, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं था। रेखा जिस पुरुष की तलाश में थी वो उन्हें अमिताभ में मिला। अमिताभ से मिलने के बाद रेखा का काया पलट हो गया। लुक से लेकर रेखा की सोच तक में बदलाव आ गया। वे मैच्योर हो गई और बातों को सीरियसली समझने लगी। रेखा और अमिताभ ने कई फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को देखकर उनका प्यार लोग महसूस कर सकते थे। रेखा के दोस्त के बंगले पर अक्सर वे मुलाकात करते थे। बताते हैं कि रेखा से अमिताभ शादी करने के मूड में थे, लेकिन कुली के सेट पर उनका एक्सीडेंट हो गया। जया बच्चन ने दिन रात अपने पति की सेवा की। दुर्घटना के बाद ठीक होने के अमिताभ ने पुनर्जन्म माना और रेखा से दूरी बना ली। कहते हैं रेखा ने आज भी अपने मन में अमिताभ को बसाया हुआ है और वे आज भी उन्हें उसी तरह चाहती हैं जिस तरह बरसों पहले चाहती थी। रेखा ने 1990 में नई दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश नोट छोड़ के गए कि उनकी आत्महत्या के पीछे किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जाए। इस घटना से रेखा हिल गई और फिर उनका नाम किसी के साथ नहीं जोड़ा गया। रेखा के पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा, लेकिन रेखा का इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा के पति की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद वो सिंदूर लगाती है। इस पर ना जाने कितनी अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन रेखा ने इन सब की परवाह नहीं की। शायद उनका यही अंदाज था जो इस माया नगरी में रेखा टिकी रही।